नियमों को ताक पर रखकर जो सड़क पर चालक चलते हैं, जो नियमों को धड़ल्ले से तोड़ते हैं, उनके खिलाफ पुलिस सख्त है और लगातार चौक चौराहे पर उनकी चेकिंग की जाती है। आज कैथल के सीवन बाईपास पर ट्रैफिक विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही है। मौके पर लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस विभाग लोगों की बाइकों की चेकिंग करता नजर आ रहा है और उनके कागजात चेक करता नजर आ रहा है। जो व्यक्ति नियमों की अवहेलना कर रहा है उसके चालान किए जा रहे हैं, लेकिन आज किस तरह की नियमों की अवहेलना की गई है उसी को लेकर बातचीत करेंगे। मौके पर ट्रैफिक SHO रमेश कुमार जी हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज सीवन बाईपास पे चेकिंग की जा रही है, किस तरह की चेकिंग की जा रही है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ये तो सर आज हमारा यहाँ सीवन बाईपास पे हमारा ये लगातार है, शहर में सभी नाकों पे हम चालान करते हैं। जैसे देखने में आता है कि तीन तीन चार चार बंदे एक मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ करके चलते हैं और जिनके वो आगे भी और पीछे भी नंबर प्लेट भी नहीं होता, उनकी हम बारीकी से जांच करते हैं। कभी कोई ये मोटरसाइकिल वगैरह जो है चोरी की ना उठा करके लेकर आए हो, हम बारीकी से उनको चेक करें। तो आज सर किस तरह की चेकिंग की जा रही है, आज किस तरह के मोस्टली लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्या हेलमेट नहीं डाला, नंबर प्लेट नहीं है, तो किस तरह की देखा जा रहा है? हाँ, हेलमेट वो जो नहीं पहन रखा तो उनको अब एक बार तो उनको वार्निंग देते हैं, भाई आप हेलमेट जरूर पहने, वार्निंग दे करके उनको हेलमेट वालों को वार्निंग पहले देते हैं। और खासकर जो नंबर प्लेट नहीं लगा रखे उनके ऊपर ज्यादा हमारा फोकस है, क्योंकि वो बाइकें जो चोरी की वो बार बार शिकायतें आती हैं उनके ऊपर हमारा ज्यादा। तो आज ऐसी बाइक्स देखने को मिली हैं सर जो यहाँ पे? हाँ हाँ, दो तीन बाइकें हमने यहाँ पे देखी हैं, उनको इम्पाउंड भी किया है और बारीकी से उनको चेक किया है। और इसके अलावा जो बुलेट पटाखे वाला जो साइलेंसर लगा करके लोग घूमते हैं बुलेट पटाखे, उनको हम बिल्कुल किसी भी तरह से उनके लिए कोई छूट नहीं है, उनको चालान भी करते हैं और मौके पर साइलेंसर को भी उतरवाते हैं जो पटाखे से। तो तमाम लोग आपको देख रहे हैं जो नियमों को तोड़ते हैं लेकिन मानते नहीं, पुलिस काफी बार रिक्वेस्ट कर चुकी है, काफी बार अभियान शुरू कर चुकी है लेकिन नहीं मान रहे, तो उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसे अभी पीछे हमने बार बार अभियान चलाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कमियां आई हैं। जैसे बुलेट पटाखे वाले काफी देखने को आता था, दो तीन महीने पहले कुछ से ज्यादा थे, अब हमने होली से दो दिन पहले 67 साइलेंसर जो हमारे पेवा चौक पे रोड रोलर के साथ तोड़वाए थे और उसके बाद भी मैंने काफी साइलेंसर अभी उतरवा रखे हैं, बहुत ज्यादा मतलब देखने को रोड रोलर देखने को मिलेगा उन साइलेंसर बिल्कुल मिलेगा, जस्ट ही दो चार दिन के अंदर अंदर ही उन रोड रोलर उनके ऊपर फिर आ जाएगा। तो लोग कितना अवेयर हुए हैं आपके आने के बाद, अभियान चलने के बाद कितना अवेयर हुए हैं लोग, कितना नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? काफी इस चीज में बहुत ज्यादा लोगों में सुधार आया है और जो लोग अपने आप भी मिस्त्री के पास जाकर के साइलेंसर वगैरह अपने आप भी उतरवाते हैं हमारे बगैर, अपने आप जाकर के। तो लोगों से क्या अपील रहने वाली है सर? हमारी, मैं पहले भी लोगों से हमारी जनता से अपील कर चुका हूँ कि जब भी आप अपना व्हीकल रोड के ऊपर लेकर के निकले, ट्रैफिक के नियमों की पालना जरूर करें, ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना ना करें, हमारी बार बार यही अपील। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ ट्रैफिक SHO रमेश कुमार, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। अगर आप भी घर से बाहर निकलते तो हेलमेट पहनकर चलें और जो ट्रैफिक नियम है उनको देखकर जो है अपने व्हीकल को चलाएं, अन्यथा हर चौक चौराहे पर पुलिस विभाग की, ट्रैफिक विभाग की पैनी नजर आप पर है।